हेलो गाइस, सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बी योरसेल्फ। और मैं हूं ज़िबा। सो आज मैं करने वाली हूं एक और रिव्यू। तो मेरे पास है यहां पे ये ब्लू हेवन की बीबी क्रीम। इसके बारे में मैंने बहुत सुना है, सो आई थॉट कि मुझे लेना चाहिए, और जब मैंने लिया है तो कि मुझे आपके साथ रिव्यू भी देना चाहिए। सो करते हैं हम इसका रिव्यू। बट इससे पहले अगर आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं, देन प्लीज़ जाके अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सो बात कर लेते हैं इसके बारे में। इसकी पैकेजिंग गाइज बहुत अच्छी है। इसकी पैकेजिंग ना बहुत अट्रैक्टिव पैकेजिंग है, लाइक देख के मन करेगा कि ले लूँ, ऐसी पैकेजिंग है। अगर आप टीन गर्ल हैं तो आपके लिए स्पेशली इसकी पैकेजिंग बहुत सुंदर है। टीन गर्ल काइंड ऑफ पैकेजिंग है इसकी। सो इस पे लिखा हुआ है ब्लू हेवन 8 आवर स्टे, मतलब ये जो है बीबी क्रीम ये आपको 8 आवर का स्टे देती है, ऐसा ये बोल रहे हैं। मैंने इससे पहले कभी यूज़ नहीं किया, सो मेरे को नहीं पता है, बट अभी हम यूज़ करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। सो 8 आवर का स्टे देते हैं। गेट ब्राइट फेयरलेस एंड फाउंडेशन। सो ये गेट आपको ब्राइटनेस देता है और एज अ फाउंडेशन वर्क करता है। सो बीबी क्रीम इसमें SPF 15 है गाइज, इसमें SPF है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हैं, अगर आप ऑफिस जाते हैं और आपको रोज़ मेकअप लगाना है, तो आप फाउंडेशन ना लगा के आप बीबी यूज़ करें। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अच्छा हुआ डेली फाउंडेशन ना लगा के आप कोई बीबी सीसी यूज़ करें तो ज़्यादा बेस्ट होता है ना। सो इसमें मल्टी विटामिन है, सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप, दैट इज़ वेरी गुड। सो इनकी जो भी चीज़ें हैं वो तो पढ़ के अच्छा ही लग रहा है। मेकअप फिनिश विद इंस्टेंट फेयरनेस। सो आपको एक मेकअप फिनिश मिलेगा विद इंस्टेंट, आप एक बार लगाएंगे देन यू आर डन। बार बार आपको फाउंडेशन लगाने की जरूरत नहीं है, बार बार ठीक करने की जरूरत नहीं है। फाउंडेशन लगाते हैं हमें बार बार उसको ठीक करना पड़ता है कि ठीक है कि क्रैक तो नहीं हो गया, कुछ तो नहीं हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा ये क्लेम कर रहे हैं। फ्लॉलेस कवरेज फॉर एवरी स्किन शेड, चूज़ योर शेड। सो गाइज यहाँ पे शेड्स दिए हुए हैं, यू कैन चूज़ योर शेड्स। तो मेरा जो शेड है वो है क्रेम ब्लश, मैंने जो शेड लिया है वो क्रेम ब्लश है, और इसका प्राइस है 125। मैंने इसको लिया है पर्पल से, आपको 125 का कभी भी नहीं मिलेगा, आपको हमेशा इस पर डिस्काउंट मिलता है। सो आप चेक कर लें कि आपको, मैंने इसको लिया था आई थिंक तो मुझे ये 110 का पड़ा था, और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 30 मंथ्स है, मीन्स आपको 2 ईयर से भी ज़्यादा इसकी सेल्फ लाइफ मिलती है। टाइम तक अगर आप बहुत रेयर यूज़ करते हैं तभी आपको ये बहुत दिन चलेगा, ख़राब नहीं होगा, ये बहुत अच्छी बात है। इसकी जो क्वांटिटी है वो 30 ग्राम है, और इसमें आपको कस्टमर केयर नंबर ही मिलता है, कोई प्रॉब्लम है कुछ पूछना है तो आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। सो इसको हम ओपन करते हैं। जो पैकेजिंग है वो ट्यूब काइंड ऑफ है, वो बहुत अच्छी बात है। सो आप इसको इजीली कैरी कर सकते हैं, मैस करने का या गिरने का कोई डर नहीं रहेगा। कुछ चीज़ें होती है ना पंप वाली या फिर ऐसा कुछ, तो डर लगाता है कि पर्स में रहेंगे तो वो मैस ना करती, बट ये ऐसा कुछ नहीं करेगी, तो बहुत अच्छी बात है। सो बॉक्स में लिखा था क्रीम ब्लश, और यहाँ पे भी आपका शेड जो है वो मेंशन होगा। इसमें लिखा हुआ है 201 क्रेम ब्लश। इसमें आपको 3 शेड्स अवेलेबल हैं, बट इसमें जो है वो शेड के नेम नहीं लिखे हैं। जब आप वहाँ पे लेने जाएंगे तब वहाँ पे आपको मेंशन होंगे 3 शेड्स। सो मैं आपको पहले आपको दिखा दूँ हैंड में अपने। सो ये कुछ ऐसा सा है, ना ज़्यादा थिक है, आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया इसको। सो पहले हमने फेस पे डॉट डॉट करके इसको लगा लेते हैं। सो ये क्रीमी टेक्सचर है इसका, स्मेल थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है गाइज। अगर आपको स्मेल स्ट्रॉन्ग से प्रॉब्लम है तो आई थिंक आपको थोड़ा सा इरिटेट कर सकता है, बिकॉज मुझे हल्की सी इसकी स्मेल स्ट्रॉन्ग लग रही है। मैंने थोड़ा सा लिया है एंड ये बहुत क्रीमी है और अच्छे से मेरे हैंड में, बहुत थोड़ा सा था बट बहुत अच्छे से लग गया है, ड्राई हो गया है गाइज। इसको लगाने का आपको मैट फिनिश मिलेगा, इन्होंने चीज़ मेंशन नहीं की है बट ये पूरा मैट हो गया है, कोई रब नहीं, कोई क्रीमीनेस नहीं, कोई कुछ नहीं। सो हम जल्दी इसको अपने फेस पे लगा लेते हैं। तो मैं इसको डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे लगा लेती हूँ, पूरे नहीं हाफ फेस पे। सो आप इजीली डिफरेंस देख पाएंगे कि मेरे फेस पे कोई डिफरेंट आया भी है कि नहीं। सो मैं अच्छे से अपने वेट ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। और आप कभी भी कोई फाउंडेशन बीबी से कुछ भी ब्लेंड कर रहे हैं, आप उसको हमेशा अपने स्किन में पुश करेंगे, आप उसको ड्रैग नहीं करेंगे। सो यू कैन सी द डिफरेंस ईजीली, आप मेरा ये साइड देखें और ये देखें, इस तरफ मैंने कुछ नहीं लगाया है, मेरी स्किन पे ऑयल है, हल्के हल्के से पोर्स भी दिख रहे हैं और हल्का सा रेडनेस भी है, बट इस साइड में कुछ नहीं है, यू कैन सी दैट। और मुझे बहुत लाइट फीलिंग आ रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैंने फेस पे कुछ भी लगाया है, ट्रस्ट मी।
और मैं आपको इसके लिए हाइली रिकमेंड कर सकती हूँ गाइस। बहुत लाइट वेट है, आपको मैट फिनिश दे रहा है, आपका ऑयल इसने मेरा ऑयल इसने बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब कर लिया है, और देखो मेरे फेस पे स्टिकीनेस है बट इस तरफ कुछ नहीं है। आई लव इट एंड मुझे ये बहुत अच्छा लगा, और आप प्लीज़ इसको ले, आपको भी अच्छा लगेगा। इसका लिंक डाल दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो आप जब लेंगे मेक श्योर कि आप अपना शेड चेक करके ले, फिर ना बोलें कि जीवन ने बताया था ये शेड है ऐसे है वैसे, आप अपना शेड चेक करके लेंगे। अगर आप स्किन आपका स्किन टोन फेयर है तो आप इसी शेड पे जा सकते हैं, क्रेम ब्लश। अगर आप डस्की हैं या थोड़ा सा शेड वैसा है तो आप अपना शेड चेक कर लेंगे। मैं इस तरफ भी लगा लेती हूँ एंड आई एम वेरी इम्प्रेसिव विद द रिजल्ट। सो और बहुत थोड़ा लगाया है एंड इतने अच्छे से ब्लेंड हो गया है, और इसने मेरे सारे जो थोड़ा बहुत भी था मेरे फेस पे उसको इसने पूरा सीमलेस कर दिया है, और इसकी अच्छी खासी क्वांटिटी है और ये बहुत दिन तक चलेगा। सो मैंने पूरे फेस पे लगा लिया और आप देख सकते हैं मेरे फेस का ऑयल खत्म, जैसे था ही नहीं, बट मेरे फेस पे बहुत सारा ऑयल था बिकॉज मेरी स्किन थोड़ी सी ऑयली है, कभी ऑयली होती है कभी नॉर्मल होती है, मुझे समझ नहीं आता कि मेरी स्किन है क्या। अभी मुझे सुबह से अपनी स्किन ऑयली लग रही थी बट अभी परफेक्ट लग रही है। सो अगर इसके ऊपर आप अगर पाउडर लगा लेंगे ना, इन्होंने 8 आवर स्टे बोला है, आराम से आपको ये वाटर प्रूफ और लॉन्ग, कितने आवर के लिए होगा आई डोंट नो बट काफ़ी टाइम के लिए आपके मेकअप को स्टे रखेगा। अच्छा लग रहा थी मैं थोड़ा सा ब्लश, कॉज ब्लश के बिना मेकअप अधूरा है, सब कुछ स्किप कर सकते हैं बट ब्लश स्किप नहीं कर सकते। और कभी भी आप ब्लश लगा रहे हैं ना, आप नोज़ पे लगाएं, बहुत अच्छा लगता है। और आजकल नोज़ पे ब्लश बहुत ट्रेंडिंग में, जब हमने ब्लश लगाया है तो थोड़ा सा फिर हम हाइलाइटर भी लगा लेंगे। सी द डिफरेंस, ऐसा लग रहा है कि मैंने अपना फाउंडेशन लगाया है, कंसीलर लगाया है, बट हमने कुछ भी नहीं लगाया है एंड मुझे अपनी स्किन बहुत अच्छी लग रही है। मुझे फुल कवरेज हाई कवरेज फाउंडेशन नहीं पसंद, मुझे सोचती हूँ कि मैं एक मैट फिनिश हो और मेरा स्किन जैसा हो, ऐसे बिल्कुल ना लगे कि मैंने मेकअप लगाया है बट मैंने लगाया है, ऐसी वाली फीलिंग मेरे को बहुत अच्छी लगती है। और आज वो फीलिंग मेरी कंप्लीट हो दिख रही है बिकॉज मैंने बीबी लगाया है एंड आई लव्ड इट। सो मैं थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लेती हूँ, तो मेरे पास है यहाँ पे मैक की लिपस्टिक इन द शेड 15, एक ब्यूटीफुल शेड। सो लिपस्टिक मैंने लगा ली है एंड सीधा सी माई फेस, इतना प्यारा लग रहा है गाइस सी। और हमने तो पाउडर से सेट भी नहीं किया, अगर मैं सेट करती तो और ज़्यादा ग्लोइंग लगता, बट स्टिल इट्स लुकिंग सो गुड। सो गाइज ये था आज का मेरा वीडियो और ये था मेरा रिव्यू, जिससे मैं बहुत खुश हूँ एंड आई थिंक आप भी बहुत खुश होंगे। और इसका लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ जाके इसको ले, और एक बार आप ले सकते हैं, इतना महंगा भी नहीं है और आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी। और अगर वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, like my channel and don't forget to share with your friends also. Thank you.